बगलोट में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि अनुसूचित जनजाति प्रदेश प्रकोष्ठ अध्यक्ष विकास मरकाम ने राज्य सरकार को कोसते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने को जो वादा किया गया था वो बेअसर साबित हुआ है। किसानों को आज तक 2500 रुपए प्रति क्विंटल की राशि नहीं दी गई है। किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंक से अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ और उनका रकबा घटाया जा रहा है। तो वहीं प्रदर्शन में कृषि बिल को किसानों के हित में बताया गया। पिछली बार जो धान खरीदी हुई थी इसमें जो 2500 के अंतर की जो राशि है वो राशि भी एक मुश्त हमको मिलनी चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है।